हर गीत सुनो क्या बोलो कमीज बिताई बोल क्या आवाज है कमीज तो भैया वीडियो की स्टार्टिंग होती है अपनी धनों के साथ। अब आप सोच रहे होगे कि ये धनों क्या है, तो मैं आपको बता दूं धनों एक देख लो क्या है। ओके तो आपने धनों के दर्शन तो कर लिए, तो अब आप देखो कि हम धनों में क्यों बैठे और धनों में किधर गए और क्या किया। So hey everyone, this is Pommy Vinata here and welcome back to my another video. Okay, so आज ये है 17 January 2021। Actually जो नए हैं मेरे चैनल पर उनको मैं बता दूं, मैं हूँ हिमाचल से और हिमाचल में आजकल चल रहे हैं इलेक्शन। ओके सो जो इलेक्शन जो हिमाचल से उनको पता होगा आजकल हिमाचल में इलेक्शन चल रहे हैं। ओके सो हम आए वोट देने, अभी जस्ट ऊपर वोट देने जाएंगे और मैं जस्ट घूमने आया हूँ। कॉज आई मीन मैं 20 साल का हो चुका बट मेरी वोटर आईडी कार्ड अभी तक नहीं आई है, सो इसलिए मैं वोट नहीं दे सकता। बट ओके सो जस्ट मैं अभी ऊपर जा रहा था स्कूल में जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ मेरे साथ क्या सीन हो चुका है। मुझे ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा हब आई नो बहुत ज़्यादा शर्म लग रही है, कॉज मैं आपको दिखाता हूँ मेरे साथ क्या सीन हुआ अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये देखो डोड मेरा शूज फट गया। मैं जस्ट क्या नीचे से ऊपर आ रहा था उधर से और मेरा शूज फट गया। रोड देख रहे हो भयंकर, मेरे ऊपर गाड़ी गई है 4x4 जिप्सी। देखो आप व्यू, सब अपने घर के पास पहुंच गए हैं। पापा को थोड़ी लेट हो रही है, पापा को शॉप जाना है इसलिए रोनी भैया ने थोड़ी गाड़ी फास्ट पका रखी है। अभी तो हम जस्ट घर पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं मेरे बेटे वो मेरे पापा ब्रश करते हैं। मास्क को करो बाय बाय। हो जस्ट अभी हम घर पहुंचे ही थे और पापा का मूड एकदम स्विंग हो गया। पापा को पहले लेट हो रही थी शॉप जाने के लिए, अब पापा का मूड स्विंग हुआ, पापा ने मना कर दिया। अब उन्हें शॉप नहीं जाना था, अब उन्हें जाना था बगीचे। पापा ने हमें दे दी ड्यूटी, हमें मतलब हम तीन भाई है और तीनों भाइयों को काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे और मेरे जो बड़े भाई है उनको ये वाला काम दे दिया। और जो मुझे काम दिया डूड मुझे बहुत मजा आया, कॉज उससे मेरी लेग्स वर्कआउट हो गया। लेग्स वर्कआउट की बात चल रही है तो मैं अभी भी लोड हूँ, आई गेस 40 kg मैंने इस वक्त उठाया हुआ है और मेरे लेग्स पे अच्छा खासा प्रेशर पड़ रहा है अभी और शोल्डर पे भी पड़ रहा है। बगीचे से घर के बीच जाते हुए मतलब 1500 स्टेप्स है तो अच्छी खासी लेग्स वर्कआउट हो जाती है। Oh, 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 oh,
का काम भी पूरा हो गया, साथ में मेरी लेग्स वर्कआउट भी हो गई और उसके बाद अपन सो गया। और सोने के उठने के बाद अपन गया क्रिकेट खेलने गया। उस वक्त के लिए थोड़ी रात हो गई थी और उसके बाद अपन गया अपने दादू के घर। 50 पैसे बड़ा मुश्किल से बुढ़े को दादू क्या बोले जा रहे थे, बट मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूँ कि दादू क्या बोल रहे थे। ओके, सो जब दादू छोटे थे तो वो अपने पापा से 50 पैसे ढूंढ 50 पैसे ओनली 50 पैसे उस वक्त, मतलब 50 पैसे बहुत बड़े थे, बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी 50 पैसे, तो वो 50 पैसे मांगने के लिए भी डरते थे। सो आजकल के टाइम में अगर आप किसी बच्चे को 500 रुपीज दे रहे होगे वो भी उसे कम लगता है। यही सब कुछ बातें दादू बता रहे थे। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। गाइस क्या कर रहे हो, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो। छाओ एंड बाय, पीस।